प्रतिरूप है। टेंस नाम कैसे पड़ा? तो टेंस का मतलब बहुत सी किताबों में बताया जाता है, टेंस का मतलब होता है काल, और हमारे हिंदी के अनुसार काल का मतलब होता है समय, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, टेंस वाकई में होता क्या है? तो टेंस में सबसे पहले आपको बताऊं, जर्मनी में दो भाषाएं बोली जाती है, एक होती है लैटिन, ठीक है, और एक होती है ग्रीक। इसको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कहानी मेरी खुद की अपनी नहीं घड़ी हुई है, मुझे जैसे पढ़ाया गया था उस चीज को, क्योंकि तो हमारे गांव में जो टीचर होते थे वैसा होते थे, वो पढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीका आजमाते थे। तो मैं ये करूंगा कि आप जो आज टेंस की क्लास देख रहे हैं, ये एकदम बेसिक क्लास, एकदम बेसिक मतलब सबसे लोस्ट तक, अगर किसी सेंटेंस किसी भी वाक्य के सेंटेंस होता वाक्य किसी भी वाक्य के अंत पूरे वाक्य के अंत कुछ शब्द आते हैं जैसे हैं, हो, आदि, अगर ये वर्ड आते हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर अंत में था, थे, थी आते हैं तो वो पास्ट टेंस है, और अंत में गा, गे, घी आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से हैं? फ्यूचर टेंस के सेंटेंस। नमस्कार, जैसा कि आपने पहले थंबनेल देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में, ठीक है। वीडियो चाहे जितनी भी देर तक, जहां तक मुझे उम्मीद है मैक्सिमम एक घंटे की होगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ कि वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आज आपने अपनी जिंदगी का, पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, पूरी जिंदगी का अगर एक घंटे मुझे इस वीडियो में दे दिया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अगर हिंदी भाषी हैं तो इंग्लिश में टेंस का ट्रांसलेशन, टेंस के द्वारा जो हिंदी का ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में आसानी से कर पाएंगे, और ये मेरा दावा है। मैं बस आपसे इतना कहूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत में अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगे और मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं वो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का। आप लोगों के पास ये सौभाग्य है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आप जैसे लोगों को कुछ बताने के लायक हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस का रियलिटी में मतलब चाहे जो कुछ भी हुए, हम बस इतना जानते हैं कि टेंस एक वर्ब का फॉर्म है, वर्ब जिसको कि हम क्रिया कहते हैं, क्रिया का ही एक ये प्रतिरूप है। टेंस नाम कैसे पड़ा? तो टेंस का मतलब बहुत सी किताबों में बताया जाता है, टेंस का मतलब होता है काल, और हमारे हिंदी के अनुसार काल का मतलब होता है समय, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है इस टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टेंस वाकई में होता क्या है? तो टेंस को मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जर्मनी में दो भाषाएं बोली जाती हैं, एक होती है लैटिन, ठीक है, और एक होती है ग्रीक, ठीक है, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा। इसमें लैटिन भाषा में एक शब्द है, उसका नाम है TEMPS, इसको कहते हैं टेम्प्स, ठीक है, जिसको कि हम टेम्पस नाम से भी जानते हैं। इस टेम्प्स का मतलब होता है टाइम, ठीक है, इस टेम्प्स का मतलब जो होता है, यहां पे लिख देता हूं, यहां से रिलेटेड यहां पे रहे, इसका मतलब होता है टाइम, इस टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है, यानी कि जैसे हम समय को हिंदी में समय कहते हैं, इंग्लिश में टाइम कहते हैं, वैसे ही जर्मनी में जो भाषा बोली जाती है, जैसे भाषा का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, वैसे भोजपुरी एक भाषा है, वैसे ही लैटिन और ग्रीक एक दो अलग अलग भाषाएं हैं ये। उसमें से अगर हम लैटिन भाषा की बात करते हैं तो लैटिन भाषा में एक शब्द आता है टेम्प्स, इसका मतलब होता है टाइम, ठीक है, और इसी टेम्प्स से बना हुआ है टेंस,
जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम यानी समय से संबंधित, समय से संबंधित यानी समय से संबंधित जो तथ्य होते हैं उनको हम टेंस के दौरान अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि टेंस होता क्या है। अगर जनरली हम टेंस के डेफिनेशन की बात करते हैं, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। ठीक है, तो टेंस का डेफिनेशन होता है, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच रिफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अभी बात समझ में आ रहा है, हिंदी में इसको समझा देता हूं। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, टेंस है, तोड़ तोड़ के समझेंगे अगर इस पूरे सेंटेंस को तो हमें समझ में आएगा कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म है, यानी कि हम वर्तमान में जो टेंस पढ़ रहे हैं वो कुछ और नहीं पढ़ रहे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यहाँ पे लिखता हूँ शायद दिख नहीं रहा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं। आप पूछेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो वर्ड की फॉर्म होती है, वर्ड मतलब शब्द। अगर कोई पूछे आपसे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताते हैं 5 प्रकार के। अगर कोई पूछे शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो शब्द होते हैं 8 प्रकार के, उन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के माध्यम से हम 8 टाइप के वर्ड्स को पढ़ते हैं जो हम पूरे इंग्लिश में यूज करते हैं। उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट आता है वर्ब का, इसी वर्ब के पार्ट में हम टेंस को पढ़ते हैं। इतना कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो हम इस डेफिनेशन में यही पाते हैं कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, टेंस क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है विच रेफर्स, जो कि इंडिकेट करता है, रेफर्स मतलब इंडिकेट करना, ठीक है, मतलब किसी बिंदु को इंगित करना, किस बिंदु को, स्पेसिफिक बिंदु को, किसी विशेष बिंदु को, किस चीज की विशेष बिंदु को, इन टाइम समय के, यानी कि समय में किसी विशेष बिंदु को इंगित करने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, क्या टेंस, जो कि एक वर्ब की ही फॉर्म है। अभी बात समझ में आ गई, यानी कि हिंदी में इसको मैं पूरी ट्रांसलेट करके बोल देता हूं कि टेंस समय का वह रूप, ठीक है, समय का क्रिया का वह रूप जिसमें हम किसी समय के स्पेसिफिक बिंदु की चर्चा करते हैं, इंगित करता है, टेंस वह रूप है यानी क्रिया का वह रूप जिससे समय, हाँ ये हम बोल सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे समय के विशेष बिंदु का पता चलता है वो हम टेंस के दौरान अपने लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं टेंस के पार्ट्स की तरफ। ये नोट कर सकते हैं आप इसको डेफिनेशन में, अगर आपसे कभी डेफिनेशन किसी ने वैसे कोई पूछता तो है नहीं, लेकिन टेंस का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं, क्रिया का वह रूप जो समय के किसी विशेष बिंदु को इंगित करता हो वही टेंस होता है। ठीक है, यानी टेंस इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इसको भी इसका डेफिनेशन को भी कोई मतलब तो है नहीं इसका, तो हमने जान ही लिया कि टेंस की डेफिनेशन होती क्या है, पूरा इरेज किया मैंने। अब हम जानते हैं टेंस के फॉर्म के बारे में, मतलब टेंस के पार्ट क्या होते हैं। टेंस को विशेषता हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, तो हम जनरली हमें तो चाहिए कि हम पास्ट से शुरू करें, मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है, अंत में क्या, मतलब क्या होने वाला है, तो हम आपके अनुसार चाहें तो इस तरीके से भी, लेकिन हम जनरली पढ़ते हैं इस तरीके से, प्रेजेंट से, मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उससे हम उठाते हैं, तो हम वैसे ही उठा लेते हैं PRESENT प्रेजेंट, उसके बाद आ जाता है पास्ट, फिर हम पीछे जो हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं, और उसके बाद
फ्यूचर यानी भविष्य में जो होने वाली चीजें हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभी बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से बता देता हूँ वजह क्या है प्रेजेंट ऑफ पास्ट फ्यूचर इनको अलग अलग तरीके से पढ़ने का। जैसे कि हम आज जी रहे हैं आज की लाइफ में, तो हम जब जी रहे हैं तो हम वर्तमान की लाइफ को देखते हैं। जब थोड़े हम बड़े होते हैं तो हमें जिज्ञासा होती है कि पहले क्या हुआ था, मतलब हमसे पहले जो लोग थे वो कैसे लोग थे। जैसे कि जब हम जन्म लिए थे तो हम देखते थे कि जब गांव में शादी वगैरह होती थी तो गांव की जितनी चारपाइयाँ होती थी उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता था। हर गांव और घरों से चकला और बेलन मंगा लिया जाता था पूड़ी बेलने के लिए। तो ये पास्ट की चीज़ है। आज क्या हो रहा है, आज वो सभी लोग डायरेक्टली आ जा रहे हैं, मतलब बर्तन भी हम उससे कैंटीन वाले से कह करके मंगा लेते हैं, ठीक है, वो पूरी बेलनी वाला अपने साथ में लेकर आ जाता है और जो चारपाई है वो भी हमें टेंट वाले के पास से मिल जाता है। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में ही अंतर है। तो हम वही चीज़ इंग्लिश में भी वैसे ही पढ़ते हैं कि हम प्रेजेंट को पहले पढ़ते हैं फिर बाद में क्या और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं उसके बारे में हम फ्यूचर में। तो ऐसे हम अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से ऐसे पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, वरना आप पढ़ भी सकते हैं पास्ट पहले फिर बाद में प्रेजेंट और अंत में फ्यूचर, तीनों तरीके से। तो टेंस के ये तीन पार्ट हो गए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अंत में टेंस लगा देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, टेंस। तो आप बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी का ये फंडा है। अगली कंडीशन में अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा फंडा जान लीजिए कि चाहे आप प्रेजेंट को पढ़ें, चाहे आप पास्ट को पढ़ें, चाहे आप फ्यूचर को पढ़ें, पढ़ेंगे सिर्फ चार सेंटेंस। कौन कौन? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद आता है परफेक्ट, और उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से इनको बताया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पूरे का नाम रहेगा, पास्ट में भी ऐसे रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी सेम रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कहानी मेरी खुद की अपनी नहीं गढ़ी हुई है, मुझे जैसे पढ़ाया गया था उस चीज़ को, क्योंकि हमारे गांव में जो टीचर होते थे बेहतर होते थे, वो पढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीका आजमाते थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो आज टेंस की क्लास देख रहे हैं ये एकदम बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक मतलब सबसे लो स्तर का, ठीक है। तो इस क्लास में अगर मैं उस कहानी का जिक्र करूं तो शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कहानी ये है कि गाँव में एक टेंस नाम के व्यक्ति रहा करते थे, टेंस नाम के एक व्यक्ति थे जिनका नाम टेंस था। उनके तीन बेटे हुए, ठीक है, जिसमें से पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर रखा गया। लकली हुआ क्या कि इन तीनों का एक साथ शादी हुआ, ठीक है। अब इनकी पत्नियों का नाम चाहे जो कुछ भी हुए, ठीक है, लेकिन इन तीनों की एक साथ शादी हुई। अब होता क्या है कि एक और बार लक इन लोगों का साथ देता है और होता क्या है कि आने वाले कुछ समय के बाद इनके यहां बेटे जन्म लेते हैं। जब पुत्र जन्म लेते हैं तो प्रत्येक के चार चार ही पुत्र होते हैं, ठीक है, प्रत्येक के चार ही पुत्र होते हैं। प्रेजेंट के भी चार बेटे होते हैं, पास्ट के भी चार बेटे होते हैं और फ्यूचर के भी चार बेटे होते हैं। अब क्या हुआ कि ऐसे आपको पता है कि मेरा नाम राज शिवम पांडे है, तो मैं ब्राह्मण हूं, तो हो सकता है कि हमारे पूर्वज में से किसी ने गए हो गए तो उन लोगों को नामांकन करने के लिए बोला गया होगा कि भाई इन तीनों लोगों की चार चार बेटे हुए हैं, यानी टोटल इन लोगों की अब पूरी फैमिली कितनी हो गई, 12 ये, 3 ये और 1 ये, ठीक है, यानी 12, 3, 15 और 1 ये 16, यानी इनके टोटल फैमिली कितनी होगी, 16। तो हम जब पढ़ेंगे तो इन 16 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया कि टेंस क्या है, तो टेंस की डेफिनेशन हमने बता दी।
प्रेजेंट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट टेंस जिस चीज के बारे में हम एट द टाइम के अंदर बात करते हैं, मतलब प्रेजेंट वर्तमान की जो घटनाओं के बारे में, वर्तमान की जो हम भाषा यूज करते हैं, वर्तमान में यूज होने वाली जो अपनी लैंग्वेज में जो वर्ड्स जो सेंटेंस हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट के दौरान आती है। पास्ट के वो सेंटेंस यूज किए जाते हैं जो पीछे घटित तो हो चुकी हैं, ठीक है, या पीछे जो हो चुकी हैं वो पास्ट में हम यूज करते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है जिस सेंटेंस को हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे वह जाएगा, वह खाना खा चुका होगा, एक सेंस। तो इस तरीके से हम फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को डिफाइन कर लेते हैं। अब रहेगी इनके पुत्रों की बात, ठीक है। एक और चीज आपको बता दूं टेंस के बारे में, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि बेटे के साथ, ठीक है, बाप का नाम जोड़ दिया जाता था। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं करमचंद गांधी का, तो जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास बताया जाता है कि उनके पिता का नाम था, ठीक है। तो पिता के नाम से पुत्र के नाम की पहचान होती थी। इस वजह से यहां पर भी वही कंडीशन हम लागू करेंगे कि पिता की वजह से इन पुत्रों की पहचान होगी, यानी कि प्रेजेंट और बाद में पिता का नाम जोड़ करके दे दिया जाएगा टेंस। पास्ट में भी वही और फ्यूचर में भी सेम कंडीशन रहेगी कि फ्यूचर टेंस, मतलब पिता का नाम बाद में जोड़ दिया जाएगा। इनमें वही कंडीशन लागू होती है, पर इसमें कंडीशन ये हो जाती है कि लास्ट में जो उनका सरनेम होता है, सरनेम के लिए यहां तो पिता का नाम यूज किया जाता है, और इसमें क्या जाता है पास्ट और सरनेम टेंस, तो हो गए पास्ट टेंस, यानी टेंस के लिए बेटे हैं पास्ट। वैसे इसमें क्या होता है, इसमें भी वही कंडीशन लागू की जाती है। तो जो पंडित जी गए थे ना, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई सभी को अलग अलग इन बारहों को अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत है, सभी को एक ही नाम दे देते, यानी प्रत्येक के चार बेटे हैं तो सभी को एक नाम दे देते। तो लोगों ने पूछा कि पहचानने का तरीका क्या होगा, तो बोले कि ठीक है, इसके पहचानने का तरीका ये है कि इनके पिता हुए ये लोग, ठीक है, और इनके दादा हुए ये लोग। तो पहले पिता का नाम लगा दीजिए और अंत में दादा का नाम लगा दीजिए, जिससे कि पहचान हो जाए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसके बारे में कुछ हम कथन कह रहे हैं, वो हम किस व्यक्ति के बारे में या फिर किस टेंस के बारे में, या फिर व्यक्ति का मतलब सेंटेंस है, किस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा दिया प्रेजेंट, ठीक है, उन चारों बच्चों का नाम यही दिया गया, इंडेफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पार्ट के भी चारों बच्चों का क्रमशः यही नाम दिया गया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के बच्चों का भी सेम नाम रहा। तो इसमें पहचानने का तरीका ये हो गया कि प्रेजेंट को पहले लगा दिया गया और इंडेफिनिट में दादा के नाम को पहले ला दिया गया और बाद में ला दिया गया, और ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम कंडीशन रही। पास्ट के साथ भी वही किया गया, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट के साथ भी सेम कंडीशन हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बता दिया। तो अभी आपको समझ में आया इन सब के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब हम पहले इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानकारी लेंगे। ये होते हैं, देखिए इंडेफिनिट का मतलब हिंदी में होता है अनिश्चित, कहानी के माध्यम से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सॉरी, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, अगर हम हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं तो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी होना, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, यानी कि जो डेफिनेट नहीं है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं नॉट डेफिनेट इसका नाम रह सकते हैं,
नॉट डेफिनेट, जो निश्चित नहीं है। कंटिन्यूअस का एक और इंग्लिश में हम नाम रख देते हैं इम्परफेक्ट। अभी आप पूछेंगे कि ये सब क्यों नाम रख रहे हैं आप इन सब का, तो हम आपको समझाने के लिए इन सब का नाम रख रहे हैं। अभी समझाने के लिए बताता हूं, परफेक्ट का नाम हमने रख दिया कंप्लीट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम मैंने रख दिया। परफेक्ट का मतलब सॉरी कॉन्टिन्यूअस, हाँ इम्परफेक्ट या फिर इनकम्प्लीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे परफेक्ट का नाम हमने रख दिया, और यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का नाम हमने रख दिया कंप्लीट, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस का नाम यहां पे ऐसे कर देता हूं कंप्लीट, और इम्परफेक्ट का मतलब इनकम्प्लीट, और उसके बाद टेंस है तो टेंस का है मैंने अपने आप में। अभी देखिए मैंने इसका नाम आपको समझाने के लिए क्यों ऐसे रखा। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जैसे वह घर जाता है, ये निश्चित नहीं कि वह घर जाता है, रोज रोज तो जाता नहीं होगा, या फिर रोज रोज भी अगर जाता है, हो सकता है कहीं रूम लेकर रहता हो तो, लेकिन वह जाता है, ठीक है। वह पढ़ता है, ये तो नहीं है ना कि रेगुलर हमेशा एकदम लगातार पढ़ता होगा, बीच बीच में रोक टोक करके पढ़ता होगा। जैसे जब घर बनता है तो ईंट लगती है, ठीक है, तो जब घर बनता है तब ना, तो ये अनिश्चित समय के लिए, मतलब निश्चित नहीं है कि एक अनिश्चित समय तक चलेगा, रुकेगा फिर चलेगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा, फिर ऐसे कर करके, तो ये इनडेफिनिट का सेंस हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हम आपके हिंदी भाषा में बोले तो क्रिया, क्रिया मैंने आपको बताया वर्ब होती है, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। क्रिया का मतलब होता है काम करना या फिर काम होना, काम होना। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं, ठीक है, तो जो ये वर्ड का इंडिकेशन देते हैं वही क्रिया होती है, यानी कि वह शब्द जिनमें काम का होना पाया जाता है, काम का करना या फिर काम का होना। वर्ड मतलब आपको बताया, वर्ड मतलब क्या होते हैं, शब्द। शब्द क्या होते हैं, कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस का कोई एक पार्ट उठा लीजिए, कोई एक छोटा सा शब्द वही होता है। शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं। ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब छोटे छोटे अक्षरों का समूह। अगर मैंने बोला रहना, तो रहना क्या है, एक शब्द है, तो इसमें काम का करना या फिर होना पाया जा रहा है। रहना का मतलब क्या हुआ, या तो कुछ काम हो रहा है या फिर कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर सेंटेंस पाए जाते हैं, ऐसे वर्ड अगर पाए जाते हैं, इन्हीं को हम वर्ब कहते हैं। अभी बात समझ आ रही है, एक और लेता हूं। मैंने बोला खाना, तो खाना में कोई काम करने का सेंस हो रहा है, काम करने का सेंस, तो खाना क्या हो गया, एक वर्ब हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में, मेरे साथ बोलिए, क्रिया के अंत में, ये क्रिया होती है। अगर किसी सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता ते ती ये चीजें आती हैं सिंपल तौर पे, तो वो इंडेफिनिट का इंडिकेशन देती हैं, ठीक है। हिंदी के माध्यम से ये कंडीशन है। टेंस को मैं और भी अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको पहचानने का तरीका। अगर आप हिंदी जानते तो पक्का इस चीज को जान लेंगे, वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा। अगर बोर होंगे स्पीड में करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको बोरिंग लगेगी स्पीड में कर लीजिएगा, ताकि आपका दिमाग लगे, कंसंट्रेट करके ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन से अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो पक्का आपको, यकीन मानिए, अंत तक आप टेंस बना ले जाएंगे, टेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे टेंस के जरिए किसी भी अपने हिंदी भाषा के वाक्य को। अगर कॉन्टिन्यूअस की बातें करें, ये हो गया डेफिनेट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी कि कोई काम पूरा ना हो, यानी कि वो शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। इम्परफेक्ट का मतलब होता है क्या,
परफेक्ट मतलब पूर्ण और इम्परफेक्ट माने अपूर्ण, यानी कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूरा नहीं हुआ है तो वो काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो उसी को कहते हैं जारी होना। ठीक है, यानी वह खाना खा रहा है, तो शुरुआत तो कर दिया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है, तो वो कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे अगर सेंटेंस आए तो उनको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूअस, जिसमें उसी क्रिया के अंत में रहा रही जैसे शब्द आते हैं, रहा रही रहे ऐसे कुछ शब्द आते हैं हिंदी के माध्यम से। ठीक है, इंग्लिश के माध्यम से सेंस वही है, आप किसी भी लैंग्वेज में अगर पकड़ेंगे तो भी सेंस वही है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब इनकम्प्लीट, यानी जो पूर्ण नहीं है। परफेक्ट का मतलब जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, जैसे वह घर गया है तो बात कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वह घर जा चुका है, वह खाना खा चुका है, तो जब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण। ठीक है, तो यहां पे कैसे शब्द आएंगे, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, या फिर ये ऐसे शब्द आते हैं, या ये ऐसे मतलब सेंटेंस में, जैसे वह गया, वह खाया, वह पिया, नहाया, ऐसे करके उस सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आते हैं। सेम कंडीशन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम देखते हैं, ये परफेक्ट कंप्लीट जो पूर्णता को बताता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ काम पूर्ण हो गया है यह भी दिखाया जाता है, और कुछ काम अपूर्ण भी है यह भी दिखाया जाता है। ये कैसे दिखाया जाता है इसको जरा देखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस एक बोला कि चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, 2 घंटे से उड़ रही है। ठीक है, तो अगर हम ऐसी बात करते हैं कि चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, तो ये जो 2 घंटा है ना, 2 घंटा यही इसको कन्वर्ट कर देता है परफेक्ट में। इसमें परफेक्ट में साथ में जो रहा रही वाला शब्द आ रहा है ना, वो उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देता है। जैसे अगर चिड़िया उड़ चुकी है तो काम कंप्लीट हो गया, तो परफेक्ट। लेकिन वो जो उड़ चुकी है ना, वो कितनी देर तक उड़ चुकी है, 2 घंटे उड़ चुकी है वो, और अभी भी वो क्या कर रही है, उड़ रही है। तो जब काम 2 घंटे कंप्लीट हो गया है तो उस 2 घंटे के लिए हम परफेक्ट यूज कर देते हैं, और जो काम अभी भी वो कंप्लीट नहीं करी, 2 घंटे उसने कंप्लीट कर लिया तो इसलिए हो गया उसका कंप्लीट परफेक्ट, और जो अभी उसने कंप्लीट नहीं किया यानी उड़ रही है तो अभी भी उसने कंप्लीट नहीं किया इसके लिए कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस पार्ट में रखते हैं, परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में। अभी समझ में आया इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, और फिर बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों बदल जाता है, यही मुख्य वजह है। ठीक है, यहां तक कितने समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, अभी ये चुका चुकी समझ में आया, इसमें आ जाता हूं। इसमें आपको बता दूं परफेक्ट इसका पहचान कैसे करेंगे, सेम कंडीशन रहेगी, जो कॉन्टिन्यूअस क्या है, क्रिया में रहा नहीं रहेगा लेकिन साथ में एक कंप्लीशन का एक कंप्लीट टाइम दिया रहेगा, कंप्लीट टाइम। जैसे वह 2 घंटे से उड़ रही है, ठीक है, वह 2 घंटे से खा रही है, वह सुबह से नहा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो जो कंप्लीशन का शो देते हैं वो हो जाते हैं परफेक्ट, और वो काम अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, इस वजह से वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इस तरीके से समझ आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कंप्लीट इनकम्प्लीट टेंस। ठीक है, यानी कि परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, ये भी कह सकते हैं आप परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। अभी यहां पर कंप्लीट समझ में आया। अगर कोई अभी भी सेंटेंस में इस टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, फिर पीछे से देखिए, समझ में आएगा। इस करके एक छोटी सी चीज और आपको बता दूं, अभी तो आपने इनको पहचानने का तरीका सीखा कि क्रिया के अंत में क्रिया क्या होता है आपको पता है, क्रिया और यही जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाए, जैसे खाना पीना, नहाना, रहना, धोना, तो ये छोटे छोटे शब्द हैं इन शब्दों में। जैसे मैंने बोला मैं नहा रहा हूं, तो नहाने में काम का होना पाया जा रहा है, काम कर रहा हूं ना, कोई काम कर रहा हूं, कौन सा काम कर रहा हूं, नहा रहा हूं, तो नहाना क्या एक क्रिया है अपने आप में। तो ऐसे सेंटेंस में अगर मैं नहाता हूं तो नहाता मैं नहाता हूं तो क्रिया है ना नहाना, इसके अंत में ता है, तो नहाता हूं तो अंत में तातित आएगा, तो उसको हम इसमें रखेंगे इनडेफिनिट में। ठीक है, अगर मैं नहा रहा हूं तो नहा रहा रही आया तो कॉन्टिन्यूअस में,
मैं नहा चुका हूं या मैं नहा लिया हूं, तो ऐसे सेंटेंस आए तो परफेक्ट, और मैं 2 घंटे से नहा रहा हूं तो ऐसे सेंटेंस आए तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब एक और छोटी सी चीज आपको बता दूं, इसको इरेज कर दो, अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉज करके जो चीजें नोट कर लीजिए, जो चीज आपको समझ में आती है उसको नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, पूरा इरेज कर दे दो, फिर से बता देता हूं आपको। देखिए टेंस, टेंस में एक और छोटी सी पहचान आपको बता दूं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो ये सिर्फ उनके लिए, हिंदी भाषियों के लिए पहचानने का तरीका क्या है, अगर किसी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के, सेंटेंस होता है वाक्य होता है, किसी भी वाक्य के अंत में, पूरे वाक्य के अंत में कुछ शब्द आते हैं जैसे हैं, हूं, हो आदि, अगर ये वर्ड आते हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट टेंस है, अगर अंत में था, थे, थी आते हैं तो वो पास्ट टेंस है, और अंत में गा, गे, गी आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से हैं, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है। एग्जांपल से समझते हैं, वह खाना खा रहा है, देख रहे अंत में क्या आ रहा है, तो इस है से आप समझ लेंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। अगर यहां पे मैं बोलूं था तो ये पास्ट टेंस है, और अगर मैंने बोला वह खाना खा रहा होगा तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर। अभी बात समझ में आ रही, अगर हम इस यहां पे देखते हैं ये क्रिया है खाना, वो खा रहा, तो अगर मैंने बोला कि वह खाना खाता होगा तो तात्पर्य आया, तो आप बता सकते हैं कौन सा टेंस है, इनमें से कौन सा टेंस है, तो अंत में गा है तो इससे हो गया ये फ्यूचर, और क्रिया के अंत में ता है तो इससे हो गया इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ में आ रही है। एक और देखते हैं, अगर मैंने बोला वो खाना खाता था तो अंत में था आया तो पास्ट, और यहाँ पे क्रिया के अंत में ता आया तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, और वह खाना खाता है अगर ऐसे आ गया तो यहाँ पे है इनकी वजह से ये हो गया प्रेजेंट, और क्रिया के अंत में ता आया तो हो गया इंडेफिनिट। इस तरीके से वह खा रहा है तो रहा रही आ गया, तो है की वजह से ये हो गया प्रेजेंट, और रहा रही की वजह से कंटिन्यूअस, ये हिंदी भाषा में ऐसे बता दिया जाता है। लेकिन हिंदी भाषा बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होना मत सीखिए, डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश जानिए, लेकिन वैसे आप अगर एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपनी भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आने वाली कक्षाओं में, आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको उस लेवल तक लेकर चला जाऊं ताकि आप इंग्लिश वाले सेंटेंस को बताने की जरूरत नहीं पड़े कि कौन सा टेंस है, आप देख करके अंदाजा लगा लें, ठीक है। उसके लिए हम आपको आने वाली वीडियोस लेकर के आएंगे, अभी आज की इस क्लास में, फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या है कि आपको सेंटेंस बनाना कैसे है। सिंपल से जान लीजिए, अगर मैंने बोला हिंदी और इंग्लिश में एक थोड़ा सा इन भाषा में डिफरेंस आता है, हिंदी की भाषा में और इंग्लिश भाषा में जो सेंटेंस होते हैं ना, इसमें छोटा सा डिफरेंस आता है, छोटा सा डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है उसको बस जान लीजिए। अगर मैं बोलता हूं कि राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो हम लोग अपनी जब हिंदी भाषा यूज करते हैं ना तो अपनी सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। बहुत सी भाषाओं में एक चीज आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट बहुत जगह आप पढ़ते होंगे, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी करने वाला, करने वाला या फिर कर्ता, ठीक है, ये इन सब के चक्कर में मत पड़िए। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है, सब्जेक्ट का मतलब वही होता है जो हम बचपन में पढ़ चुके होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब विषय, विषय का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट होता है जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं ना, सब्जेक्ट का मतलब विषय, वही सही है।
सब्जेक्ट का मतलब करने वाला और करता ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक मिनट में इसको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि राम किताब पढ़ता है, तो राम करने वाला है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। इसके अनुसार आपकी सब्जेक्ट का मतलब करने वाला है, इसके अनुसार मैंने बोला कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है, टहलना जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे हम अगर हम टहलने की बात करते हैं तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट हमारा टहलना है, इतना जान लीजिए। वॉकिंग, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो, लेकिन अब एक बात बताइए, करने वाला या करता है, इसमें कौन सा काम कर रहा है? टहलना कोई काम कर रहा है? टहलना कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, जिसके जिसके द्वारा काम हो रहा है या फिर वो कोई काम कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर हिंदी में समझ लीजिए आपका विषय। विषय का मतलब वही जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, न कि करता या फिर करने वाला। इस ये चीज अगर आप जानते हैं तो इसको भूल जाइए, ठीक है, ये एकदम छोड़ दीजिए कि ऐसा कुछ होता होता है नहीं, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में सेंटेंस में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि अगर मैं बात करता हूं कि राम घर जाता है, तो हम सब्जेक्ट जो है उसके तुरंत बाद उसके ऑब्जेक्ट को ला देते हैं, ठीक है, उसका जो पोजीशन है कि वो कहां जा रहा है उसको लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, और अंत में उसकी क्रिया पे जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम हमारे यहां एक बात होती है कि हम डायरेक्टली, मतलब जैसे वह किताब पढ़ता है, ठीक है, तो वह जो है अपने पास सीधे किताब को लाता है और फिर बाद में उसको पढ़ता है। हमारे यहाँ ये है, बात समझा रही है? तो वह क्या करता है, किताब लेता है और फिर पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है। पर इंग्लिश के सेंटेंस में वही चीज थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, वो क्या, वह पहले पढ़ता है फिर बाद में पूछा जाएगा क्या, तो बताते हैं लोग कि किताब। जैसे वह घर जाता है तो एक छोटा सा डेफिनेशन जान लीजिए, ऐसे बताया जाता है ना कि पहले कर्म करो बाद में फल मिलेगा, तो इंग्लिश में वही काम होता है कि पहले सब्जेक्ट के बाद उनके काम को लगा देते हैं, उसी कर्म को जो क्रिया के रूप में। जैसे वह राम जो है वो पहले जाता है, फिर जब चलेगा तो कहाँ जाएगा, घर, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है, राम घर, फिर पूछा जाएगा वो राम घर क्या कर रहा है, जाता है, ठीक है। और यहाँ पे राम जाता है, पूछा जाएगा कहाँ, तब बताया जाएगा घर, ठीक है। तो वो अपने बाद सीधे कर्म पे फोकस करते हैं और फिर बाद में उनको फल मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हम इंग्लिश में जान लेंगे कि सबसे पहले यूज क्या किया जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं वर्ब, और उसके बाद आता है अदर वर्ड। अब इस अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर के बाकी की जो चीजें होती है वो इस अदर वर्ड में जुड़ जाएंगी। सेंटेंस में इंग्लिश में पूरा का पूरा सेंटेंस सेम इसी टॉपिक पे बनता है, इसी टॉपिक पे पूरा का पूरा ये बनता है आपका इंग्लिश का ट्रांसलेशन, ऐसे ही बनता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगा, वर्ब के तुरंत बाद अदर वर्ड्स आएंगे, जो भी चीजें रहेंगी वो अपने अपने तरीके से आती रहेंगी। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं नोट करना है, बस इसको नोट कर लेना है, रूल क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद अदर वर्ड आएगा, ठीक है। इसको एरेज करो, फिर आपको बताता हूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। मैं हर बार सोचता हूँ वीडियो लंबा नहीं करूं, लेकिन फिर भी क्या करूं, लंबा हमको लगता है हो ही जाएंगी, या फिर कभी कभी सोचता हूँ दो पार्ट में डालूं, दो पार्ट में आप लोगों को पता नहीं दोनों, दूसरा पार्ट आप एक इसको देखने के बाद दूसरा देखेंगे कि नहीं, इस वजह से एक ही पार्ट में बताता हूँ। अगर आप वास्तव में पढ़ने में अच्छे बच्चे होंगे, वास्तव में पढ़ना चाहते होंगे, तो इस वीडियो को वास्तव में पूरा देखेंगे आप।
एक चार्ट बनाता हूँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। चार, ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। एक ये हो जाएगा आपका और एक ये पार्ट हो जाएगा, कम पड़ेगा तो नीचे बढ़ा लिया जाएगा, राइट। ये देखिए यहां पे मैंने लिखा टेंस, ठीक है, आप इस चार्ट को बना लीजिएगा, अच्छा लगेगा। टेंस में तीन टेंस होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, और फिर क्या होता है? फ्यूचर। उसके बाद यहां पे लिख लेते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है, और यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बता दिया पहचान का तरीका, क्रिया के अंत में दातित्य आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो होती है डू और डज, लेकिन ये जो डू डज है ये निगेटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव टाइम से, ठीक है। और क्रिया के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है, जिसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पाई चार्ट आप नोट कर लीजिएगा और मैं आने वाली वीडियोस में आपको लेकर के आऊंगा इस चार्ट के बारे में पूरी डिफिनेशन, अभी सिर्फ ये चार्ट बना करके छोड़ता हूँ, ठीक है, चार्ट बना करके। और हाँ मैं आपको यही कहूंगा, दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, पार्ट जल्द ही लेकर के आऊंगा दूसरा वाला भी। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में तो ये कंडीशन है, पास्ट में क्या कंडीशन होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बिग होता है, क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट होता है ये भी, नेगेटिव या फिर इम्फेटिव से, एम्फेसाइज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस वहां से स्टार्ट होता है इसमें भी, ठीक है, यानी GATIV नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव नहीं अफर्मेटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव में नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव। यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है पास्ट के नेगेटिव में, जब वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है तो वहां पे ये यूज किया जाता है। फ्यूचर में क्या होता है? वही चीज, विल और शैल यूज किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगा अगली वीडियो में, अभी इस चीज को नोट कर लीजिएगा। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट के कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूज होती है इज, एम, आर, साथ ही वर्ब की ING फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है, आई मतलब मैं होता है, और बाकी सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। यहां पे भी सिंगुलर के लिए डज यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए ST करें तो यस से सिंगुलर, प्ली से प्लूरल, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए डिड ही यूज किया जाता है। यहाँ पे विल जो है सेल को बस जान लीजिए कि आर और वी
इनके इन दोनों सब्जेक्ट के साथ सैल्यू जो होता है बाकी सभी के साथ मिल ऑल कर देता हूँ एक्सेप्ट आई वी, मतलब आई मतलब मैं वी मतलब हूँ, इन दोनों को छोड़ करके आई और वी के साथ सेल लगता है बाकी सभी के साथ विल लगता है। अब तो मॉडर्न टाइम में सभी के साथ विल लगने लगा है, चाहे आई हो या वी हो सभी के साथ विल ही लगने लगा है। यहाँ पे ये प्लूरल और ये सब्जेक्ट मतलब तो सिंगुलर के साथ। पास्ट में वही कंडीशन क्या होती है, वाज और वर, और साथ में वर की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसमें वाज जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है और वर प्लूरल के साथ लगता है। फ्यूचर में सेम कंडीशन रहेगी, विल बी शैल बी और वर की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब ये आपको ये भी बताऊंगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब क्यों बनाए गए सेंटेंस के अनुसार, तो इसको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ इस चार्ट को जान लीजिए, इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, आई और बी के साथ सेल लगेगा और बाकी एक्सेप्ट आई बी ऑल के साथ क्या लगेगा, आई बी को छोड़ करके ही सी इट दिस दैट यू दे इन सभी के साथ विल लगेगा। ठीक है, परफेक्ट में देखते हैं। अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा इसमें कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करते हैं तो डू डज और वर्ब के आईएनजी फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन अफर्मेटिव में यहीं पे वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यस या ईएस फॉर्म लगता है। जनरली जितने